पांच चीजें अगर आप कर लें तो आपको बूढ़ा नहीं होने देंगी, जल्दी बुजुर्ग नहीं होंगे। पहले नंबर पे स्ट्रेस मैनेजमेंट। अगर आपको लंबी कोई बहुत अरसा से स्ट्रेस चल रही है, परेशानी चल रही है, आपकी जिंदगी में सुकून नहीं है, इस वजह से क्या होता है कि जिस्म में कुछ केमिकल्स निकलते हैं, जैसा कि कार्टिसोल, जो कि आपके कोलेजन के फाइबर्स को ब्रेक डाउन करता है, जिससे आपका एजिंग प्रोसेस, बूढ़े होने की स्पीड तेज हो जाती है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट अच्छे वाली करें, तो आपको जिंदगी में परेशानियां जो हैं उनको कम करें, ताकि आपका कोलेजन महफूज रहे और आप बूढ़े ना हो। दूसरे नंबर पे एडिक्वेट डाइट, अच्छी खुराक। अच्छी खुराक में क्या चीजें ऐसी हैं जो कि आपको बूढ़ा नहीं होने देती? उसमें एंटी ऑक्सीडेंट कंटेनिंग डाइट्स जितनी भी हैं, वो चीजें जिसमें एंटी ऑक्सीडेंट्स होते हैं, जैसा कि बेरीज, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। नट्स में आते हैं हमारे काजू, पिस्ता, बादाम, फैटी फिश, सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, पालक, गोभी, साग। आजकल तो सर्दियां हैं तो वैसे भी साग बहुत ज्यादा मौजूद है, ज्यादा खाएं। तीसरे नंबर पे आता है रेगुलर एक्सरसाइज। रेगुलर का मतलब है रेगुलर, डेली बेस पे। एक्सरसाइज से क्या होता है कि आपकी सर्कुलेशन बेहतर होती है, सर्कुलेशन के साथ आपकी कोलेजन फाइबर्स ज्यादा बनते हैं, ज्यादा प्रोडक्शन होती है, जिससे आपकी स्किन और आपका जिस्म जो है वो बूढ़ा होने से बचता है। चौथे नंबर पे आती है स्किन केयर, अल्ट्रा वायलेट रेज। जो सूरज से आने वाली शुआएं हैं, उन शुआओं में बहुत ज्यादा मसला ये करती हैं कि वो आपकी 80% डैमेज जो है ना स्किन का, वो अल्ट्रा वायलेट रेज से होता है। ज्यादा एक्सपोजर अल्ट्रा वायलेट रेज को आपके स्किन को रिंकल्स करवाती है, डार्क स्किन करवाती है, जो कि एजिंग प्रोसेस में आपको ये मदद करते हैं। आखिरी पांचवें नंबर पे एडिक्वेट स्लीप। आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, स्लीप वेक साइकिल अच्छा होना चाहिए। रात सोने के लिए अल्लाह ने बनाई है, अंधेरे में सोया करें, दिन रोशनी का अल्लाह ने जागने के लिए बनाया है, इसमें काम किया करें। जिन लोगों का लाइफस्टाइल ऐसा है कि वो रात को सोते दिन को जागते हैं, काम करते हैं, उनकी बॉडी रिस्पॉन्स सेहत के हवाले से ज्यादा अच्छा होता है उन लोगों के निस्बत जिनका स्लीप वेक साइकिल उल्टा होता है। दूसरे नंबर पे प्रॉपर स्लीप, 6 to 8 आवर्स डेली लाजिम है। इससे ज्यादा सोना भी नुकसानदेह है, इससे कम सोना भी नुकसानदेह है। स्लीप आपकी एजिंग प्रोसेस को कैसे रोकती है? उसमें पहले नंबर पे तो ये है कि रिपेयर, सेल रीजनरेशन, सेल रिपेयर का सिस्टम जो है, आपके जितने भी टिश्यूज हैं, जिस्म जिस चीज से बना हुआ है, ये सोते हुए रिपेयर होता है। जितना पूरे दिन में आपने इसको इस्तेमाल किया था, उसकी रीजनरेशन और रिपेयर आपके स्लीप के टाइम पे पूरा हो जाता है, जिससे आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे। मौत का एक दिन बरहक है, लेकिन तरतीब तरकीब इंसान के हाथ में है। हजूम नहीं, कौम बनिए। बहुत शुक्रिया।